अच्छा सचिन जी ऐड हुए हैं, क्षमा चाहूंगा सचिन जी, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में आपका ट्वीट क्या है आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर एल्केम लैब्स के सेटअप पे ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वाली मूव कल के सत्र में अनफोल्ड हुई थी एंड एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन का भी कंफर्मेशन डेली चार्ट पे यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है, तो मुझे लग रहा है जो मोमेंटम मिला है वो वापस अच्छी तरह रिज्यूम होगा। ऑन द हायर साइड हर्डल्स लगभग अराउंड 5500 के आसपास प्लेस्ड है, उसके बीच में कोई मेजर हर्डल नजर नहीं आता, तो स्टॉप लॉस आप लगाए लगभग अराउंड 5295 पे एंड खरीदारी करने की सलाह होगी एल्केम लैब के फ्यूचर्स में 5500 के टारगेट के लिए। ओके, एल्केम दवा 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 फार्मा जो है वो आज अगर आप देखें सर चढ़ के बोलती भी, एल्केम भी आपके बाय कॉल है। चलिए क्विक सचिन आपका क्विक सिंगल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ITC पे ध्यान देना चाहिए। लगभग 490 के आसपास का बेस है, इसने 3 बार रिविजिट किया है, क्लोजिंग इसके ऊपर मेंटेन की है। थोड़ी सी अगर मार्केट में स्टेबिलिटी आती है तो यहाँ पर अच्छी रिकवरी होगी, तो स्टॉप लॉस आपको कल का क्लोजिंग था लगभग अराउंड 489 के आसपास, तो वहीं पे प्लेस करना है एंड इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है लगभग 502 के आसपास के एक स्विंग बन सकते हैं, तो खरीदारी करनी है ITC के फ्यूचर में। ITC फ्यूचर्स डिफेंसेस की तरफ झुकाव है इस वक्त, और सचिन जी कोई ट्रेड स्पॉट कर पा रहे हैं आपका व्यू अगर एनालिसिस किया हो इन 3-4 स्टॉक्स का तो? वीरेंद्र जी यहाँ पर प्रेफर्ड स्पेस कभी भी BPCL ही रही है, इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है काफी बड़े चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट इसने एस्टैब्लिश किया था पिछले महीने में, जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है तो आई थिंक इसकी जो आउट परफॉर्मेंस है मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड रहेगी। 380 के तो पोजिशनल टारगेट यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। ट्रेडिंग के लिहाज से जिस तरीके से इसने स्विंग बनाया है मुझे लग रहा है 340 का बेस यहाँ पर आज के सत्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा एंड जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो मुझे लग रहा है लगभग 355 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है, तो आई थिंक मोमेंटम यहाँ पर चेज जरूर किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 342 के आसपास प्लेस करना है एंड खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं BPCL के फ्यूचर्स में। बिल्कुल, मैं इसी पर मेरी नजर थी, आप ट्रेड को लीजिएगा। उसके अलावा एल्केम लैब्स, एल्केम किसने पिक किया था एक बार जरा मुझे बता दें, मैं लिखना भूल गया था, सचिन ने पिक किया था क्विक सिंगल्स में। सचिन क्या थे आपके टारगेट और अब क्या स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिवर्क करेंगे? अनु जी जो पहला टारगेट दिया था 5500 के आसपास का वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो रहा है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसके ADX की प्लेसमेंट है प्लस मल्टी ईयर हाइज को ये चैलेंज कर रहा है, तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर होने के चांसेस है एंड उसी लिहाज से हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है पोजिशनली ही लगभग अराउंड 5590 के आसपास का स्विंग भी बन सकता है, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। एक अच्छा रिवाइज बेस 5400 के आसपास एलिवेट हो चुका है, तो आई थिंक 5420 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस बढ़ाने की सलाह होगी। ओवरऑल टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 5590 का। ये तो 5590 तक के टारगेट बढ़ सकते हैं यहाँ पर, ये हो गई सचिन की कॉल। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, SBI क्या कर रहा है? कल जो आखिरी के लगभग 100 पॉइंट्स का डिप था निफ्टी बैंक का, उसको स्पॉन्सर इसी ने किया था। सचिन आपका व्यू क्या बन रहा है 804? हालांकि कल का लो भी वायलेट नहीं हुआ लेकिन ये ट्रेजेक्ट्री पूरी 100 EMA के नीचे की है, आप SBI में कैसे पोजिशन हैं, कैसे इस सीरीज में आप SBI को मतलब अपने क्लाइंट्स को समराइज कर रहे हैं, क्या व्यू शेयर किया है? देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था लगभग अराउंड 850 के आसपास का, वो सपोर्ट इसने एक वीकली गैप के साथ ब्रेक किया था, तो मुझे लग रहा है जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर वापस रिकवरी नहीं होती तब तक मेजर ट्रेंड थोड़ी सी यहाँ पर वीक ही होगी। इमीडिएट बेसिस में भी जिस तरीके से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ये कॉन्फिडेंटली ट्रेंड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है ट्रेजेक्ट्री ओपन है लगभग अराउंड 780 तक की, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के कोई सिग्नल नहीं है, तो यहाँ पर फिलहाल तो बॉटम फिशिंग नहीं करने की सलाह होगी। हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में जाए बट मेजर थ्रस्ट तभी जनरेट होगा जब स्टॉक कॉन्फिडेंटली 850 के ऊपर ट्रेंड करे। ओके, यहाँ पे ये व्यू है आपका SBI पे। सचिन के पास एक कॉल है, सचिन क्या पिक किया?
अनुज जी, यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम्स पे मुझे लग रहा है एक अच्छा रिवर्सल एस्टेब्लिश हो रहा है। सोमवार के सत्र में भी काफी अच्छी वीकनेस थी, वो एक वीकनेस एब्जॉर्व करके एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन बनी थी। कल के सत्र में एक स्विंग बनाने के बाद इनवर्स हैमर बनी है, उन दोनों पैटर्न के ऊपर की अभी चाल बन रही है। 4600 के आसपास एक अच्छा एलिवेटेड बेस नजर आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अच्छा अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। 4800 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं नजर आ रहा है स्टॉक में, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी परसिस्टेंट सिस्टम्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 4595 पे लगाना है, पहला टारगेट होगा अराउंड 4740 का, बट मुझे लग रहा है लगभग ये रैली 4800 के पार भी एक्सटेंड हो सकती है। ये आपके स्क्रीन पर परसिस्टेंट मिड कैप आईटी। सचिन, आपका एफएनएस सुपरस्टार। अनुजी, आई थिंक यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रही है। पिछले 6-7 दिनों से एक अच्छी कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पर नजर आई थी 1400 से 1440 की, एंड रेंज को ब्रेक करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 1465 तक की एक चाल बन सकती है। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1500 का, खरीदारी करनी चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको आज के दिन का जो स्विंग लो बना है अभी तक का लगभग अराउंड 1425 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वहीं पर प्लेस करना चाहिए, तो खरीदारी करनी यूनाइटेड स्पिरिट्स में। एक ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हो रहा है 1440 के ऊपर। यूएसएल में सचिन जी को स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इनफैक्ट शो को यहीं समेटेंगे और उसके बाद एक ब्रेक लेकर राजेश सरपुते जी और आशीष बहेती जी हमारे साथ बने रहेंगे। बाकी पूरे पैनल्स में हमारे गेस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक लेकर लौटते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।